नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। साल की शुरुआत एनआईए ने भी कर दी है। राजस्थान और हरियाणा में गैंगस्टर्स टारगेट पर है। दोनों राज्यों में करीब 25 से ज्यादा जगहों पर आज सवेरे से एक्शन लिया जा रहा है। सब कुछ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्या आरोपी से मिले इनपुट के आधार पर हो रहा है। हत्या के केस को राजस्थान की एसआईटी ने सॉल्व किया और फिर केस से जुड़ी तमाम जानकारी एनआईए के अधिकारियों के साथ साझा की। अब एनआईए के अधिकारी काम पर लग गए हैं। बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ 5 जनवरी से शुरू होने वाली डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस से पहले हो रहा है। दरअसल पिछले साल 5 दिसंबर को जयपुर के श्याम नगर इलाके में रहने वाले श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी समेत 3 की हत्या कर दी गई थी। गोगामेड़ी समेत 2 को तो मौके पर ही मार दिया था और तीसरे युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस हत्याकांड के बाद इसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गे रोहित गोदारा ने ली थी। रोहित ने कुछ शूटर्स की मदद लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने जांच शुरू की। उसके बाद सरकार ने एसआईटी बनाई, इसको आईपीएस दिनेश एमएन ने लीड किया। उसके बाद खातीपुरा जयपुर निवासी रोहित राठौर और हरियाणा निवासी नितिन फौजी को दिल्ली से पकड़ा। मामला बड़ा था, इसकी जांच एनआईए को भी सौंपी गई। दोनों शूटर्स को भी मिली जानकारी के बाद आज सवेरे 5 बजे से एनआईए की टीमों ने राजस्थान और हरियाणा में 25 जगहों पर रेड की है। राजस्थान में 3 से 4 जिलों में यह रेड चल रही है। राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर और नागौर में रेड की सूचना मिल रही है। वहीं हरियाणा में भी 10 जगहों पर एक्शन चल रहा है। एनआईए के करीब 70 से भी ज्यादा अफसर और कार्मिक इस रेड में शामिल है। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।